So guys, in this video we are going to solve the general question, general knowledge question of previous year question paper of Ssc cgl 2019 के. So पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे रीजनिंग के, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल नॉलेज के, क्योंकि इसके बाद सेकेंड सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का. सो आइए सॉल्व करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है, सो लेट मी इनेबल द पेन फॉर इट. सो पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन इंडिया. सो इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट गाइस कितने हैं? 17. तो ऑप्शन क्या होगा? सी. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना. तो सबको पता है कि इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, लेकिन चाइना का हर किसी को याद नहीं होता. तो आपको अदर कंट्रीज के भी याद करने पड़ेंगे, जैसे नेबर कंट्रीज के. तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी है, रेड क्राउन क्रेन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डेडली पॉइजन साइनाइड. सो साइनाइड का केमिकल नेम क्या होता है? साइनाइड का केमिकल नेम होता है प्रियोसिक एसिड. सो इसका निक नेम होता है साइनाइड, वैसे इसको केमिकल नेम होता है इसका प्रियोसिक एसिड. ठीक है, और इसे रूसिक एसिड भी कह सकते हैं कि शायद पीस में साइलेंट होता है. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड इट. सो ये कहाँ खत्म होती है जाके? ए ऑप्शन में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, आपको याद होगा. सो ए ऑप्शन इसका ठीक है. फिर आता है, व्हाट हैपन व्हेन द फिस्कल डेफिशिएट इंक्रीजेस. अगर फिस्कल डेफिशिएट बढ़ता है तो क्या होता है? इसका होता है बी ऑप्शन, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस. कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता इसका प्राइसेस पे. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द टेंजिबल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल लेबर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड. सो इसका ऑप्शन है डी, रियल कॉस्ट. ठीक है, सो बेसिकली जो यूज़ होता है कॉस्ट रॉ मटेरियल में एंड लेबर में, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कहते हैं हम? रियल कॉस्ट. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ईयर वाज इंडिया सुपर लीग लॉन्च इन. सो सुपर लीग, इंडियन जो फुटबॉल की लीग है, वो कब लॉन्च हुई थी? तो ऑप्शन ए है इसका, 2013 में लॉन्च हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म डैश इज प्रीफिक्स टू द साइंटिफिक टर्म टू डिस्क्राइब द समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? तो इसके लिए होता है बी ऑप्शन, आइसोटॉप. आइसोटॉप नहीं, आइसो, क्योंकि आपने टर्म पढ़ा होगा आइसोटॉप, आइसो बार, जो चीज़ सेम होती है उसके लिए या कॉन्स्टेंट रहती है उसके लिए हम आइसो यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन नेशनल टू विन द श्रीलंका रत्ना अवार्ड. सो फर्स्ट इंडियन कौन था? तो फर्स्ट इंडियन थे डी, नरसिम्हा राम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा. दोनों में लोक स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर ही बैठते हैं. और द वर्ड ब्लू ब्लड मून इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? ए ऑप्शन, लूनर इक्लिप्स के लिए. जब मून क्या था? रेड कलर का हो जाता है. कब होता है? जब सन के पास नहीं आता बेसिकली. हाँ, सन के पास होता है शायद. उसके बाद आता है क्वेश्चन, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर. सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री में है? सो इसका ऑप्शन है डी. माई गॉड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड द अदर एंड द अदर राइटिंग्स. सो इसका ऑप्शन है ए, ऑंग सांग सूंग किंग. फिर आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर. कौन सा यूज होता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए? ऑप्शन ए, क्या नाम है इसका? साइफोगैमोनोमीटर. तो कुछ नाम बड़ा डिफिकल्ट है इसे प्रोनाउंस करना. एंड इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर्मली इस्टेब्लिश. तो ये कमीशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन डी है इसका, 1956 में. तो ये ऐसे क्वेश्चन में तो आपको भाई गाइस तो कोई लगेगा, क्योंकि ऐसे डेट्स हमें याद नहीं रहती है. एंड डॉली द फर्स्ट क्लोन लिविंग बींग क्रिएटेड एज अ रोजिन इंस्टीट्यूट इज इन स्कॉटलैंड वॉज सी, शिप. ठीक है, सो ये डॉली कौन थी इसमें? शीप थी. एंड हु
amongst the following became the first Asian to cycle around the globe in 2018. First Asian. कौन था? B. वेदांगी कुलकर्णी. Okay. Indian थी शायद. And Mitra Mela was the revolutionary organization founded by the Veer Savarkar in the year. So Mitra Mela को वीर सावरकर अवार्ड कब मिला था? अच्छा, ये फाउंडेशन था जो इस्टेब्लिश किया गया था. किसने? वीर सावरकर ने कब किया था? तो ये था ए 1900 में, उस टाइम. एंड द यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इलेक्टेड डैश टू द 18 मेंबर CESCR फॉर द एशिया पैसिफिक सीट इन 2018. तो इसका ऑप्शन है सी, प्रीति सरन ने. ठीक है, कौन सेलेक्ट की गई थी? प्रीति सरन सेलेक्ट की गई थी 18 मेंबर कमेटी में. अब आता है क्वेश्चन नंबर 45. इन विच ईयर डिड द इंडियन पैसिफिक इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्टेड? सो कौन से ईयर में हुआ था? 2008 में. तो सिंपल आंसर है इसका. Under which article of the Constitution of India can member of the Anglo-Indian community be nominated to the Lok Sabha by the President? So, इसका option है कितना? कौन सा article है? Sorry. तो option है इसका B. Burma become the independent sovereign republic in the year. तो Burma कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1948 इंडिया के आज़ाद होने के एक साल बाद. फिर आता है कैट्रियोना ग्री ऑफ डैश वॉज क्रॉन मिस यूनिवर्स इन 2018. सो ये कौन सी कंट्री की थी? तो ऑप्शन है फिलीपींस की थी. हु अमॉन्ग्स फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल कायद आई अजाम? तो इसे किसे दिया था अवार्ड? ये होता दिया था मोहम्मद अली जिन्ना. ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द जमदानी वेविंग ओरिजिनेटेड इन सी बांग्लादेश. तो ये आर्ट कहाँ की है? बांग्लादेश की. अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 हो गए क्वेश्चन. हाँ, अब आ गया क्वांटिटी एप्टीट्यूड. तो गाइस, इस वीडियो में हम यही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट. थैंक यू. बाय बाय.